हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा व्यूवर्स, ये मेरी वीडियो का वैसे तो पार्ट वन है, लेकिन इससे पहले मैं एक पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने पिजन्स के बच्चे के दिखाए थे कि मेरे पास ये बच्चे आ चुके हैं। तो उसके बाद जो है मैंने उसमें से एक मेल बच्चा उठा लिया था। तो जिस दिन मैंने ये मेल बच्चा उठाया तो मुझे एक जानने वाले ने उसके पास ये कहीं से जंगली बच्चा आ गया था, तो अब पता नहीं उसके घर में कहीं से गिरा है। तो उसने मुझे दे दिया कि यार आप ऐसे भी बच्चे पालते हो तो आप एक काम करो, आप इसको भी पाल के बड़ा कर लो, और जो है इसको आप बड़ा करके भले आप आज़ाद कर देना, ट्रेन हो गया तो आप इसको रख लेना। बहरहाल मैं इसको ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये है कि साथ साथ मैं इसको भी फीड करवा रहा हूँ, तो ये भी साथ साथ बड़ा होता रहेगा और साथ साथ हमारा छोटा बेबी पिजन जो है वो भी बड़ा हो रहा है। तो हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम कबूतर को हाथ पर कैसे लगाए और जो है उसको अपने साथ बाइक के साथ कैसे उड़ाया जाए। तो व्यूअर्स, इसको मैं एक दिन से इसको कम से कम मैं दाना दे रहा हूँ, अब माशाल्लाह से आप इसको देखेंगे कितना एक्टिव हो गया। अब इसको मैं सिर्फ हाथ करता हूँ तो इसको पता चल चुका है कि मुझे इस हाथ से दाना मिलता है। तो ये आप देखें, तो व्यूअर्स ये देखें मेरे हाथ से ये दाना मांग रहा है। अच्छा, दाने में हम इनको देते हैं, ये आप देखें ये काला चना हम इनको खिलाते हैं बच्चों को। वैसे तो खिलाने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन उन तरीक़ों से जो है जिस चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाज लोग बोतल लगा के उसके अंदर जो है कपड़ा बांध के उसमें छेद करके तो उस तरह भी बच्चों को फीड करवाते हैं। बच्चा बिल्कुल फीड करता है, उस तरह से बच्चा बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो बच्चा आपके साथ अटैच नहीं होता। अब जब आप इसको अपने हाथ से, भले ही आप इसको चने दें जो भी चीज़, मेरे हिसाब से तो चना सबसे बेस्ट है कि आप इसको चना हाथ से खिलाया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसको जो है ये चना खिलाते हैं एक एक दो दो दाना करके, तो ये इजीली होता है, अपना इसके पोटे में जाता रहता है, तो इसी तरह ये जो है हजम भी कर लेता है। बहुत भर के पोटा नहीं देना होता क्योंकि वो फिर बच्चे का पोट बंद हो जाता है। तो इस तरह हम इसको साथ साथ जो है बड़ा कर रहे हैं। तो अब तो माशाल्लाह से ये इसको दूसरा देना है, लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा जो है मेरे साथ अटैच हो रहा है। ये देखें, इसको भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग गया कि यार मुझे जो है दाना यहीं से मिलता है। असल में इसका भी मेरे ख्याल से दूसरा दिन शायद इसका भी है, जंगली का भी दूसरा दिन है और इसका भी दूसरा दिन है। तो बहरहाल आप बच्चे का साइज देख लेंगे, बच्चे का साइज अब कैसा है, जो पार्ट वन था उसमें आप इसका साइज देख लेना, और अब माशाल्लाह से आप इसका साइज देखें तो इंशाल्लाह इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसने जो है 10 से 15 दिन के अंदर ये फुली कवर्ड हो जाएगा। तो बस ये जैसे ही कवर्ड हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा फ्लाई करने लग जाएगा, जब ये थोड़ा थोड़ा फ्लाई करने लग जाएगा तो इस तरह मज़ीद आपको इसी तरह हम साथ ले लेके चलेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आपको इसी बच्चे को बाइक के साथ उड़ा के दिखाएंगे। बस इसकी ज़िंदगी के लिए आप लोग दुआएं करना। तो व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ा सा दाना खिला देते हैं और इसी के साथ फिर वीडियो को ऑफ करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट पार्ट का जो है थोड़ा वेट करें। आपने हल्की सी इसकी चोंच खोलनी है और दाना इसके मुंह में रखते जाना है, तो ये खुद ही खुद जो है ये उतार लेगा नीचे। बड़ा इजीली होता है इनको खिलाना, सिर्फ आपको जो है इसका मुंह खोलना आना चाहिए और दाना इसके मुंह में रखना आना चाहिए। इंशाल्लाह इसकी एक हफ्ते की बाद की जो प्रोग्रेस होगी व्यूअर्स, वो जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कम से कम ये पिंजरे से खुद निकल के मेरे तक आएगा। खैर, फ्लाई तो नहीं कर सकता ये उस टाइम पे, लेकिन ये है कि ये इतना होगा कि ये चल के मेरे तक आने लग जाएगा। तो वही हमारी पहली अचीवमेंट होती है, जब बच्चा चल के हमारी आवाज़ पर हमारे पास आने लग जाए। अभी तो फिलहाल ये जो है मेरी आवाज़ पे जो है मुझे रिप्लाई भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब बच्चों को पता चल जाता है मालिक की आवाज़ का, असल में हम विसल बजाते रहते हैं। तो एक और मैं आपको जो है इनकी अटैचमेंट बताऊँ कि आपने जिस बच्चे को पालना है तो आपने उस बच्चे को जिस केज में भी रखना है आपने उस केज को रखना है कवर करके, किसी भी कपड़े से आप उसको ढांक के रखें, और कोशिश करें जब आप उसको फीड करवाएं या कुछ भी करवाएं तो उस बच्चे के पास सिर्फ आप हो, कोई एक्स्ट्रा बंदा उसको देखने को ना मिले, और आप फीड करवाएं। और साथ साथ जो है, अभी तो फिलहाल ये छोटा है, लेकिन इसको मैं मज़ीद एक हफ्ते बाद जो है मैं साथ साथ विसिल बजाना स्टार्ट करूंगा। मैं इसको फीड भी कराऊंगा और साथ साथ विसिल भी बजाऊंगा, ताकि इसको मेरी विसिल और फीड इसको दोनों की टाइमिंग इसकी एक हो जाए, क्योंकि जब भी इसको मैं उड़ाऊँगा तो उसे मुझे वापस बुलाना होगा, तो उसको वापस बुलाना चीज़ वापस तभी आती है जब वो भूखी होती है, उसको किसी चीज़ की तलब होती है। जब वो भूखी होगी तो उसको तलब होगी खाने की, खाना उसको कब मिलेगा जब मैं विसिल बजाऊंगा, मैं विसिल बजाऊंगा तो उसको खाना मिलेगा। तो जैसे मैं विसिल बजाऊंगा वो यही समझेगा कि मुझे खाना मिल रहा है, तो ये रिटर्न से वापस मेरे पास आ जाता है। यही हमारा एक कोड होता है और ये हमारा एक जोड़ होता है। तो बहरहाल व्यूअर्स, इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें,
वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपनी राय से हमें जो है ज़रूर आगाह करें। इंशाल्लाह अगर हमारे बीच में कोई गलती है तो आप उस गलती को निकालें और हम नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को दुरुस्त करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।